उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लगातार हो रही हार के कारणों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। वहीं कांग्रेस की हार पर चर्चा के लिए दिल्ली की पार्टी की सर्वोच्च संस्था कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपनी हार के दर्द का इजहार करने के बाद बीजेपी ने इस पर चुस्की लेना शुरू कर दी। वहीं बीजेपी के नेताओं ने हरीश रावत और कांग्रेस की करारी हार पर हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे दी। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट कर खुद का लाल कुआं से चुनाव लड़ने और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अपनी पार्टी के लोगों पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंसीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस की हार पर उनकी सहानुभूति और हरीश रावत को अब चुनाव से संन्यास ले लेना चाहिए। वही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने भी कहा कि जिस तरह वो बार बार मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान यह भी कहा था या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या अपने घर बैठ जाएंगे। ऐसे में उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए।